राहुल जी हिंदुस्तान की हालत आज क्या है शायद आप नहीं जानते हैं मगर हम आपके नॉलेज को दुरुस्त करते हैं लेट मी एनलाइटन यू एज टू वॉट इज द कंडीशन ऑफ इंडिया टूडे ओनली अ कपल ऑफ डेज अगो वी गॉट द गुड न्यूज दट वाइल इंडिया सेलिब्रेटिंग आजादी का अमृत महोत्सव एंड वाइल वी वर सेलिब्रेटिंग सेवेंटी फाइव ईयर ऑफ अवर इंडिपेंडेंस इंडिया सरपास्ट यूनाइटेड किंगडम इकोनॉमिकली टूडे वी आर द फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड आज हम विश्व के पांचवें सबसे बड़े आर्थिक स्तंभ हैं आर्थिक जगत है हमने ब्रिटेन को भी परास्त किया है आज ब्रिटेन छठे नंबर पे है तो भारत वर्ष आज पांचवें नंबर पर है याद करिए राहुल जी आपके समय एक ऐसा वक्त आया था जब भारत फ्रजाइल फाइव इकोनॉमी में काउंट होती थी वर द फ्रजाइल फाइव इकोनॉमी अंडर डॉक्टर मनमोहन सिंह एंड सोनिया गांधी इंडिया हैज कम फीच फॉरवर्ड द लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अभी चंद दिनों पहले इस तिमाही का ग्रोथ रेट सामने आया है जब पूरे विश्व में कोरोना पैंडेमिक को लेकर एक माहौल बना है इकोनॉमी स्लाइडिंग अक्रॉस द वर्ल्ड ग्रोथ रेट स्लाइडिंग अक्रॉस द वर्ल्ड। वी कैन प्राउडली स्टेट टूडे आज हम गर्व के साथ कह सकते हैं तेरह दशमलव पांच प्रतिशत आज भारत का ग्रोथ रेट है ये नतीजे अभी आए हैं राहुल गांधी इज अनवे बिकॉज एनीथिंग दैट इज गुड अबाउट इंडिया राहुलिस भारत के विषय में कुछ भी अच्छा होता है वो राहुल गांधी को पसंद नहीं है ब्लूमबर्ग तो राहुल गांधी आप जानते ही होंगे भारतीय कंपनियों के नाम तो आप नहीं जानते मगर ब्लूमबर्ग को तो जानते होंगे अभी चंद दिनों पहले ब्लूमबर्ग ने कहा कि इंडिया विल नेवर गो इन टू रेसेशन भारत कभी भी रेसेशन में जा नहीं सकती है बिकॉज ऑफ अ बेसिक्स अ स्ट्रॉग अंडर द लीडरशिप ऑफ मिस्टर नरेंद्र मोदी हमारे प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत इस प्रकार से सशक्त हुआ है कि हम कभी भी मंदी की तरफ गति नहीं करेंगे और आप कह रहे हैं हिंदुस्तान की हालत खराब है कोरोना के बावजूद हिंदुस्तान ने जिस प्रकार अपने आप को संभाला है यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है